मौसम आ चुका है और ऐसे में ठंडी ठंडी चीजें पीने का बहुत मन करता है, तो आज की स्पेशल रेसिपी गर्मी से रिलेटेड है जो कि बहुत हेल्दी भी है और बहुत टेस्टी भी होती है। जी हाँ, लस्सी। लस्सी जो कि बहुत ज्यादा टेस्टी होती है और इसको पीने से हमारी बॉडी में बहुत ठंडक मिलती है। तो आज मैं आपके लिए तीन तरह से लस्सी की रेसिपी लेकर आई हूँ, तो चलिए देखते हैं इनको कैसे बनाना है। और उसके पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल का आइकन है उसको भी क्लिक कीजिए, तो मैं जब भी कोई रेसिपी पोस्ट करूंगी आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं लस्सी कैसे बनाना है। तो लस्सी बनाने के लिए जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं वो दही है और पाउडर शुगर है। यहाँ पर मैंने फ्रेश दही लिया है और इसको 3 से 4 घंटे के लिए फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दिया था। और यदि आपके पास ठंडा दही नहीं है तो हम आइस भी यूज़ कर सकते हैं। फ्रेश दही से लस्सी का टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और शुगर भी कम लगती है, इसलिए फ्रेश दही लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले हम क्लासिक लस्सी बनाएंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर 1 कप कर्ड लिया हुआ है, दही जो कि फ्रेश जमा हुआ है, इसको हम मिक्सी के जार में डाल लेंगे और यहाँ पर हम 2 टीस्पून इस तरह से फुल भरकर शुगर पाउडर डालेंगे। आप चाहें तो स्वाद के अनुसार भी डाल सकते हैं। और 3-4 हम यहाँ पर आइस के क्यूब डाल देंगे और इसको मिक्सी पर ग्राइंड कर लेंगे। हमारी क्लासिक रेसिपी तैयार है। हम इसको एक ग्लास में निकाल लेते हैं। ऊपर से चिरौंजी डालकर इसको हम सर्व करेंगे। अब हम दूसरी तरह की लस्सी बनाएंगे, पिस्ता केसर लस्सी। इसके लिए यहाँ पर हम 1 कप दही लेंगे, इसको मिक्सी के जार में डाल लेते हैं। इसमें भी स्वाद के अनुसार शुगर पाउडर डाल देंगे। यहाँ पर मैं 2 टीस्पून फुल भर कर ले रही हूँ और यहाँ पर मैंने 5-6 पिस्ता के छोटे छोटे पीस कर लिए हैं, इनको इसमें डाल देते हैं। और यहाँ पर 8 से 10 हमारे केसर के धागे हैं, इनको भी इसमें डाल लेंगे और ढक्कन लगाकर इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। तो लीजिए, हमारी केसर पिस्ता लस्सी बनकर तैयार है। इसको भी हम गिलास में निकाल लेते हैं। और आइस जरूरी नहीं है कि हम मिक्सी के जार में ही डालें, ऊपर से भी हम डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम ऊपर से डाल लेते हैं 2 पीस आइस के और कुछ पिस्ते के कटिंग से और केसर के धागे से हम इसको गार्निश कर देंगे। अब हम यहाँ पर तीसरी तरह की लस्सी बनाएंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पर कर्ड लिया है 1 कप, इसको हम मिक्सी के जार में डाल लेंगे। आप सोचेंगे मीठा मीठा बहुत ज़्यादा, जी नहीं, ये बिल्कुल एक डिफरेंट फ्लेवर देगा। यहाँ पर हम थोड़ी सी मीठी थोड़ी सी स्पाइसी लस्सी बनाएंगे। तो कर्ड मैंने मिक्सी के जार में डाल लिया है, 2 टीस्पून हम यहाँ पर शुगर पाउडर डाल देंगे या आप टेस्ट के अनुसार भी डाल सकते हैं। और जस्ट 1/4 टीस्पून सिका हुआ जीरा पाउडर इसमें हम डालेंगे और कुछ मिंट स्लीव, ये करीब 20 मिंट स्लीव हैं, इनको भी हम इसमें डाल देंगे। और एक स्मॉल चिली छोटे पीस में काट कर रखा हुआ है, इसको भी हम इसमें डाल देंगे। इससे एक ये बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा और थोड़ा सा स्पाइसी और स्वीट भी रहेगा। और इसको भी हम ग्राइंड कर लेते हैं। तो लीजिए, हमारी स्वीट और स्पाइसी लस्सी बनकर तैयार है।
इसको भी हम ग्लास में निकाल लेते हैं। पहले हम आइस डाल देंगे, ऊपर से लस्सी को डाल देते हैं। मिंट की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और ये बहुत टेस्टी लगती है। इसको भी हम पुदीने की पत्ती से गार्निश कर देते हैं। तो लीजिए, हमारी मिंट और स्पाइसी फ्लेवर्ड लस्सी भी तैयार है। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारी लस्सी बनकर तैयार है। क्लासिक लस्सी, पिस्ता केसर लस्सी एंड स्पाइसी मिंट फ्लेवर लस्सी बनकर तैयार है। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आएंगी। और ये बहुत क्विक रेसिपी है, इनको आप कभी भी बना सकते हैं। सडनली गेस्ट आ जाए घर में तब भी आप बना सकते हैं, या पहले से भी प्लान करके इनको बनाकर आप फ्रिज में रख सकते हैं और इसको एंजॉय कर सकते हैं। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। प्लीज कमेंट कर बताइए और मेरे इस चैनल को आप अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, तो वो भी नई नई रेसिपी को एंजॉय कर सके। हैव अ फैंटास्टिक डे।